तो दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग तो जानते हैं कि आयुष्मान खुराना की स्टारर फिल्म अनेक जो कि सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। अब दोस्तों इस फिल्म के बारे में क्या कहना, इस फिल्म का हाल बहुत ही बुरा है। हेलो नमस्कार, फिल्मी लाइट क्लब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अनेक फिल्म के अलावा बॉलीवुड के और भी कई सारे फिल्मों को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है, जिसमें एक है भूल भुलैया 2। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल फिल्मी लाइट क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटे पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लें। अब दोस्तों इन दोनों फिल्मों के अगर बारे में बात करें, अगर दोनों फिल्मों को कंपेयर करें तो बहुत ही फर्क है, यानी कि जमीन आसमान का फर्क हमें देखने को मिलता है इन दोनों फिल्मों में। जैसा कि आयुष्मान खुराना की फिल्म अनेक जो कि थ्रिलर एक्शन जनर की फिल्म है, जिसमें आयुष्मान खुराना एक अंडरकवर एजेंट के किरदार में हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि दोस्तों इनका जो किरदार है काफी गजब का है। फाइनली फिल्म के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको बता कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन के मौके पर यानी कि ओपनिंग डे के मौके पर सिर्फ 2 करोड़ की कमाई की है। इसके अलावा भूल भुलैया 2, जब भूल भुलैया 2 को रिलीज किया गया था तो पहले दिन के मौके पर यानी कि ओपनिंग डे के मौके पर भूल भुलैया 2 ने 14 करोड़ की शानदार कमाई की थी। अब दोस्तों जिसको देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क हमें देखने को मिलता है दोनों फिल्मों में, यानी कि कहां 2 करोड़ कहां 14 करोड़। जैसा कि भूल भुलैया 2 एक हॉरर कॉमेडी जनर की फिल्म है, यानी कि हॉरर और कॉमेडी का कॉम्बिनेशन काफी तगड़ा हमें देखने को मिलता है। अगर आपको याद होगा तो जब इस फिल्म को नहीं रिलीज किया गया था, यानी कि फिल्म की रिलीज होने से पहले इस फिल्म को लेकर के काफी आलोचनाएं हुई थी, यानी कि लोग काफी नेगेटिविटी दिखा रहे थे भूल भुलैया 2 को लेकर के कि भूल भुलैया 2 सिनेमाघरों में नहीं चलेगी, फ्लॉप हो जाएगी। तो यार मैं पहले भी बोला था कि किसी फिल्म को रिलीज होने से पहले ये कहना गलत है कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन वो कहते हैं ना कुछ लोग का काम होता है कुत्ते जैसा भौंकना, यानी कि हाथी चलता है कुत्ते भौंकते रह जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही किया है भूल भुलैया 2 ने, यानी कि शानदार कमाई करते हुए आज भूल भुलैया 2 ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। अब ऐसे हम देखते हैं कि अनेक फिल्म कितने रुपए की कमाई करती है फिलहाल। अब जिस तरह से इस फिल्म को ओपनिंग डे मिला है, ओपनिंग डे के मौके पर जिस तरह से इस फिल्म ने कमाई की है, जिसको देखने के बाद मुझे यही लगता है कि ये फिल्म सिनेमाघरों में टिकने वाले नहीं है। हालांकि कितने रुपए की कमाई करेगी ये तो बात की बात है, कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है। वैसे देखा जाए तो आयुष्मान खुराना का जो काम है इस फिल्म में वो काफी बेहतर है, यानी कि हर बार की तरह इस फिल्म में भी काफी बेहतर काम किया है आयुष्मान खुराना। लेकिन ये फिल्म मार खाती थी फिल्म की स्टोरी की वजह से, यानी कि बहुत ही घिसी पिटी स्टोरी है। ऐसी फिल्मों पर आधारित हम लोगों ने कई सारे फिल्मों को देख रखा है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि ऑडियंस इस फिल्म को पसंद नहीं कर रही है, उतना अट्रैक्टिव नहीं हो पा रही है। फिलहाल दोस्तों इन दोनों फिल्मों के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, दोनों फिल्मों के बारे में आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।